हेलो भैया, अब आपको मैं बता रहा हूँ कि इसका जो टच है आईटेल A41 का, वो टच कैसे निकालेंगे और डिस्प्ले कैसे निकालेंगे। ये दूसरा पार्ट है। इस पार्ट के बाद मैं आपको चौथे पार्ट में पूरा जो पूरा जो फिटिंग है कैसे टेस्ट करेंगे, मतलब टेस्टिंग में उसके बाद कैसे उसको पूरा लगाएंगे और पूरा कंप्लीट होने के बाद वो कैसा दिखेगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरा का पूरा टच जो डैमेज है मेरा आईटेल का A41 का, उसको हम कैसे निकालेंगे वो मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। अब ये देखिए, ये यहाँ पर आपका पूरा का पूरा मतलब कि डैमेज है। अब हमें इसको निकालना है, तो हम इसको अगर नॉर्मल वे पे निकालेंगे तो नहीं निकलेगा। तो हमको क्या, ये मशीन है, ये मशीन देखिए, ये असेंबली मशीन है। इस मशीन के थ्रू हमको निकालना है और ये मशीन आपका जो पूरा का पूरा ये हीटिंग करेगा। हीट करके हमको यहाँ पर इसको हीट करना है। हम जैसे इसको हीट करेंगे साइड से पूरा हम इसको हीट कर देंगे। अब ये देखिए प्लास्टिक है, इसको निकाल देते हैं क्योंकि ये गल रहा है। कभी भी हमको अगर कोई टच निकालना होगा तो हमें इस मशीन का यूज़ करना चाहिए, अगर ये डैमेज है तो। नहीं तो फ्रेम आपका डैमेज हो सकता है। अगर आप उसमें ज़बरदस्ती निकालने की कोशिश करेंगे तो आपका फ्रेम डैमेज हो जाएगा, क्योंकि ये ब्रेकेज सेट है, ये गाड़ी के नीचे आ चुका था और इसके फ्रेम यहाँ से देखिए ब्रेकेज हो चुका है। इसलिए मैं इसको नॉर्मल वे पे नहीं निकाल रहा हूँ, इसको मैं मशीन के थ्रू निकाल रहा हूँ। और ये सही तरीका भी यही है कि आप इसको मशीन से ही निकालें। आज सेपरेटर मशीन आ चुके हैं मार्केट में, आप उसको चाहे तो उसके थ्रू निकाल सकते हैं। आप उसको नॉर्मल वे पे रख दीजिए, ये आपका पूरा हीट कर देगा और आपका सोल्यूशन, जब इसमें सोल्यूशन पेस्ट लगा होता है वो डाउन हो जाएगा, तो आप निकाल सकते हैं। तो देखिए ये इतना आसान पड़ता है, पहले इसी से निकलता था, क्योंकि ये पूरा ब्रेकेज है इसलिए मैं इसको निकाल रहा हूँ। अगर आपका अंदर LCD सही हो तो इससे मत निकालिएगा। अब अगर एक्सपर्ट है तो आप निकाल भी सकते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट को तो पता होता है कितनी दूरी पर कितना टेम्परेचर देना है जिससे कि आपकी डिस्प्ले डैमेज ना हो। देखिए मैंने ये पूरा का पूरा ये कर दिया है। ये देखिए मैंने इसको हीट कर दिया है, अब मुझे इसको निकालना है। चलिए तो हम इसमें दो चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। इसका देखिए टूल्स तो आते हैं बहुत सारे, पर मैं नॉर्मली ब्लेड का ही यूज़ करता हूँ। और ये देखिए यहाँ पर आपको इस तरह से इसको नीचे हम ऐसे डाल लेंगे, ये देखिए। उसके बाद वहाँ पर साइड में हम इसको ऐसे डालेंगे, ये जो प्लेइंग कार्ड होता है ये बहुत ही बेस्ट होता है टच को, LCD को, किसी भी चीज़ को बाहर निकालने के लिए। अगर आप इससे टेम्पर्ड ग्लास लगाते हैं तो आप इसके थ्रू निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। ये देखिए नॉर्मल यहाँ पे ये निकल चुका है। अब मैं इसको सिर्फ एक हल्का टेम्परेचर और दूंगा, ये आपका पूरा का पूरा बाहर फेंक देगा। ये देखिए, क्योंकि ये पूरा ब्रेकेज है इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए अब ये पूरा का पूरा यहाँ से निकल गया है, और यहाँ पे भी थोड़ा सा टाइट है तो इसको हम यहाँ पे भी गर्म कर देंगे। ये देखिए इस तरह से पूरा हमने हीट कर दिया तो पूरा बाहर आ गया। अभी यहाँ पे देखिए थोड़ा सा लगा हुआ है तो इसको भी हम थोड़ा सा हीट कर देंगे जैसे कि ये अच्छे से निकल जाए पूरा का पूरा बाहर, क्योंकि ये पूरा ग्लास डैमेज हो चुका है इसलिए पूरा ब्रेकेज होकर निकला है।
उसके बाद डिस्प्ले का देखिए, डिस्प्ले को सिर्फ आपको नॉर्मल वे पे ऐसे चढ़ना है और नीचे हल्का सा जो आपको यहाँ पर पेस्ट लगा होता है, पेस्ट के थ्रू इसमें तो नहीं लगाते हैं, इसमें फोम के थ्रू पेस्टिंग की गई होती है हल्का सा। ये देखिए ये आपका LCD बाहर आ गया, ये टच बाहर आ गया। इस तरह से देखिए दोनों का दोनों मैं आपको दिखा दूँ, ये दोनों का दोनों, ये आपका पूरा LCD और टच पूरा बाहर आ गया है। ये ओरिजिनल LCD है और ये टच था, पूरा पैकेज हो गया है। अब ये आपका इस तरह से फ्रेम पूरा देखिए ब्लैंक हो गया। अब हमें क्या करना, जो हमने LCD लाई हुई है इसमें इसको फिट कर देना होगा। तो धन्यवाद दोस्तों।